और यहाँ पे निवाला बनाना है सबसे पहले, इतना बड़ा। So guys, finally, इफ्तारी करने का टाइम आ चुका है। मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। गाइस, बिरयानी का रंग एकदम बहुत ही मस्त है और स्मेल क्या आ रही है। गाइस, एकदम गोश्त यहाँ पे तैयार हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इफ्तार पार्टी करने जा रहे हैं द कुकबुक रेस्टोरेंट में। आज हम खुद ही यहां पे सारे पकवान बनाएंगे, आप देख सकते हैं। बिरयानी बनाएंगे और क्या क्या है हमारे यहां पे डिशेस? मीट है, मीट मीट और है? मीट, हम मीट, ये जो मीट बिरयानी होती है ना, आज भाई मटन बिरयानी। हाँ, मटन बिरयानी तो बोलते। और ये रहा रईस भाई। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मजे में होंगे। तो आज इंट्रो किया उमेर भाई ने और ये जो ब्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है रईस भाई के रेस्टोरेंट से। एंड आज हमने सोचा था कि आज हम इफ्तार पार्टी करेंगे, तो अभी हम बिरयानी बना रहे हैं, मटन बिरयानी। सो और भी कई सारी चीजें, मुनीब और उमर भाई गया है और चीजें लाने, बाजार गए हैं वो लोग, तो वो लोग वहां से आते हैं, फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे आज इफ्तार पार्टी। एंड अभी यहाँ पे बन रहा है, इसमें बासमत बन रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या हो गया। ये देखो, इसमें बासमत है और इसमें गोश्त हमने अभी लगाया है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको बनने में, एंड उसके बाद में हम अच्छे से जो है इफ्तार पार्टी करेंगे। और ये देखो, उमर भाई आ गया है। मुनीब पे था हम, मुनीब कहाँ है? और यहाँ पे आधा सिटाक पहुँच चुका है। गाइस ये देखो, उमर भाई आज शेफ बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा प्याज। गाइस, एकदम गोश्त यहाँ पे तैयार हो चुका है और यहाँ पे राइस भी तैयार हो चुका है। अब इसको ऐसे ही रखते हैं स्टीम के लिए जब तक इफ्तारी का टाइम आएगा। अभी हम घूमने के लिए जाते हैं और अब इसमें डल रहा है। तो गाइस, फाइनली बिरयानी तैयार हो चुकी है और हम लोग गए थे मैच देखने के लिए। इसको हमने ऐसे ही छोड़ा था, दम बिरयानी को। अब हम आए हैं वहां से और अभी इफ्तारी में बचे हैं 10-15 मिनट। गाइस, फाइनली तैयारी हो रही है इफ्तारी के लिए, बस अभी 10-15 मिनट बाकी है इफ्तारी में और अब सब कुछ हमको रेडी करना है। आज मैं कैमरामैन बनूंगा, आज ये लोग सब कुछ संभालेंगे। सो गाइज, आज हम इफ्तारी जो है वो यहीं पे करने वाले हैं और इस टेबल पे हम जो है इफ्तारी करने वाले हैं आज। तो ये रही कुछ लोकेशन जहाँ पे आज हम इफ्तारी करने वाले हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग वीडियो एंड तक देखो। गाइज, फाइनली यहाँ पे बिरयानी को सर्व किया जा रहा है और ये रहे हमारे आज के शेफ मिस्टर रईस अहमद। गाइज, यहाँ पे टेबल भी एकदम सज गई है। गाइज, बिरयानी का रंग एकदम बहुत ही मस्त है और स्मेल क्या आ रही है। और अभी इफ्तारी में बचे है 1-2 मिनट और ये देखो, टेबल भी एकदम मस्त सज गई है। और ये रहा उमर भाई, उमर भाई मुनीब तो यही पे है। और ये रहा हमारा शेफ रईस भाई, रईस ने बहुत ही बढ़िया बिरयानी आज तैयार की है। तो गाइस, यहाँ पे मुनीब बिरयानी में चटनी डाल रहा है और उमर भाई वहाँ पे दुआ करते हुए नजर आया। उमर भाई भी दुआ कर रहा है अभी। तो गाइस, इफ्तारी में बस 1 मिनट रह गया है और भाई अभी करने लगा। फाइनली इफ्तारी करने का टाइम आ चुका है और अभी बस 10 सेकंड्स बच गए हैं, तो अभी हम इफ्तारी करते हैं एंड उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय करिए और हम लोग भी करते हैं। So guys,
रोज़ा हमने खोल लिया है और ये देखो बिरयानी क्या एकदम मस्त बन गई है। और अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि रईस भाई की मेहनत रंग लाई है या फिर नहीं, वो तो देखा जाएगा, हर एक बंदे का टेस्ट चेक किया जाएगा। और यहाँ पे निवाला बनाना है सबसे पहले, इतना बड़ा अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम। बिरयानी का टेस्ट एकदम मस्त है। तो गाइस जो बची हुई बिरयानी थी उसको अब हम पैक कर रहे हैं, उसको हम घर ले जाएंगे, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे अभी हम बर्तन भी धोने वाले हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई करके, और रईस भाई यहाँ से साफ़ सफाई कर रहा है, उसको फिर से वैसा ही करना है जैसे ये पहले था, क्लीन एकदम। और यहाँ पे उमर भाई जो है वो बिरयानी पैक कर रहा है, और उमर भाई यहाँ पे किचन में जो है बर्तन धो रहा है। तो ये सब काम करके फिर हम घर को निकल जाते हैं। सो गाइज अभी मैं सफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे जो है हमने बहुत गंद मचाई थी इफ्तार पार्टी की समय, तो अब मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ, इसको एकदम क्लीन करके रखना है। आज ना रेस्टोरेंट ओपन नहीं होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ईद के दिन खुलेगा और फिर मज़ा आएगा, फिर तो हम चैलेंजिंग वीडियो भी लाएंगे आप लोगों के लिए, बहुत ही मस्त मस्त वीडियोस लाएंगे आप लोगों के लिए। सो गाइस इफ्तारी हमने कर ली है तो अब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को भी यही पे खत्म कर दे, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखकर थोड़ा भी इंजॉय किया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और ये रही अपनी गैंग, आप लोगों को अगर ऐसी वीडियोस देखने हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट करो। और मिलते हैं आपसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अपना ख्याल रखना और सब लोगों को हमारी और हमारी तरफ से सभी उम्मत मुस्लिमा को रमजान मुबारक। तो बाय बाय, थैंक्स, नेक्स्ट।